देश के पूर्व सैनिकों को पीएम मोदी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि आए दिन सेना के मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से पीएम मोदी पूर्व की परंपराओं को तोड़ने मरोड़ने में लगे हैं। सेना निवृत्त शौर्य चक्र विजेता कर्नल विधि चंद लखपाल ने हमीरपुर में पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगाते हुए 20 सवालों के जवाब मांगे हैं। लखपाल ने कहा कि फौज के लिए किए गए वायदों को आज दिन तक पूरा नहीं किया गया है। बीसी लखपाल ने आरोप लगाया है कि 15 अगस्त के अलावा पीएम मोदी ने सेना का कोई भी सैन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, जिससे सेना का मनोबल टूटा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 4 रक्षा मंत्री बदलकर रक्षा मंत्री के पद को प्रमुखता प्रदान नहीं की है। लखपाल ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के लाभ आज तक पूर्व सैनिकों को नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी वन रैंक वन पेंशन में कई विसंगतियां हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। अभी मैं एक और बड़ा आपको ध्यान में चीज लाना चाहता हूं कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, आपने गुवाहाटी और ले को हार्ड एरिया डिक्लेयर किया। गुवाहाटी और ले में अगर आईएएस आईपीएस आईपीएस अफसर की पोस्टिंग होती है तो उसको 45,000 रुपया हार्ड एरिया का भत्ता मिलता है, जबकि मेरा जो है अगर सैचिन अफसर अगर सैचिन ग्लेशियर में नौकरी कर रहा है उसको 29,500 रुपया मिलता है। तो आप लगाइए 45,000 वो ले रहा है जो ले में बैठा हुआ है और गुवाहाटी में, और जो हमारा जवान सैचिन ग्लेशियर में है ऊपर उसको सिर्फ 29,500 रुपया मिलता है। यही नहीं, 1983 में इंदिरा गांधी ने दो चीजें दी थी हमें, एक तो विधवा पेंशन हमारे फौजियों की विधवाओं को और दूसरा फ्री राशन सबके लिए। सातवें पे कमीशन में आपने फौजियों का फ्री राशन ही काट लिया। जब पी स्टेशन में फौजी होते हैं उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप कहीं विधवा की पेंशन ना रोक। मैं यहां भी झूठ बोला, हर एक जगह जाकर आप भाषण देते हैं कि मैंने फौज के लिए वन रैंक वन कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अभी सर्जिकल 26 जनवरी और 15 अगस्त दो ऐसे दिन हैं हिंदुस्तान में जो एक राष्ट्रीय तौर पर मनाए जाते हैं। 15 अगस्त लाल किले में हमेशा प्रधानमंत्री के साथ फौज का जो एरिया कमांडर दिल्ली का होता है वो खड़ा होता था, लेकिन जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं उसको एक दरकिनार कर दिया है और आप खुद बड़ा साफा लगा के लाल किले से भाषण देते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि आपको फौज के अफसरों के ऊपर विश्वास नहीं है। दूसरा सवाल, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है और उस दिन सेना के बड़े बड़े अफसर, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के घर में उस फंक्शन में जाते हैं, लेकिन जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं आपने एक भी फंक्शन आर्मी डे का अटेंड नहीं किया। लखपाल की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है। लखपाल ने कहा कि खुद कैप्टन होते हुए सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, तभी सैन्य चक्र का इनाम मिला था। क्या हम लोगों ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी? मैं शौर्य चक्र हूँ कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी? मेरे को शौर्य चक्र सर्जिकल स्ट्राइक का ही मिला हुआ है। 30-35 आदमी आपने दुश्मन के जाके घुस के मार दिए और उसका ऐश्वर्य दिवस मना रहे हैं। क्या 1971 की लड़ाई में, जिसमें मैं भी शामिल था एज ए कैप्टन, हमने 13 दिन में 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई और 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में, और 93,000 हमने प्रिजनर उनके प्रिजनर बनाए थे और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। इसके अलावा 1984 में मैंने ऑपरेशन मेघदूत लड़ा कारगिल की हाइट में, सचिन ग्लेशियर में, जहां मैंने भी नौकरी करी है। सचिन ग्लेशियर जो 21,000 की फीट की हाइट पर है और -45 टेम्परेचर रहता है, उधर भी हमने पाकिस्तानियों को मार भगाया। तो वो क्या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी?